नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेश, टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप कैप एप्लीकेशन बीएड एडमिशन 2020-21 के लिए कैंडिडेट है और आपके पास अगर बीएड सीटी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप उस बीएड सीटी एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, यह मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियो पर व्यूवर्स ने कमेंट करके ये पूछा है कि सीटी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते, तो उस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसके लिए पहले आपको चाहिए कि आप bedmahaprawesh.in की साइट पर जाइए और अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कीजिए, यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है, डैशबोर्ड है, वहाँ पर पहले हाईलाइट लेबल है एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आपको डाउनलोड सीटी एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये एरो जो डाउन साइड पे है तो ये लिस्ट यहाँ पर आ रही है। अगर ये एरो अपवर्ड साइड में होगा तो ये जो ऑप्शन है, इसमें आने वाले मेन्यूज है, ये यहाँ पर क्लोज होते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देते। तो इसलिए कैंडिडेट का कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि उन यहाँ पर डाउनलोड सीटी एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं है। तो आप लॉगिन करने के बाद देखिए, ये इस पर क्लिक कीजिए, इस पर इसके बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी आएगा, पे आईडी आएगा, पे आईडी में आपका जो यूज़र आईडी वो यहाँ पर दिखाई देगा, आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा और ये अमाउंट 100 रुपीज़ आपको पे करनी है। प्रेस प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड्स के ऑप्शन है, यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल भरने के बाद आप पे करेंगे तो आपको आपका बीएड सीटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। बीएड सीटी का जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि बीएड सीटी या बीएड ईएलसीटी दोनों ही उसके अंडर ही आते हैं। तो यही सेम प्रोसेस बीएड ईएलसीटी के लिए भी है, एक ही ऑप्शन है दोनों के लिए। यहाँ पर पे करने के बाद कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ये पेमेंट नहीं हो पाता है या फिर ब्राउज़र या कुछ अलग टेक्निकल इशू की वजह से भी ये नहीं हो पाता है, तो आपको ये ट्राई करते रहना है। ये होने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आपको सीईटी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसको बाद में आपको कैप राउंड के लिए अपलोड भी करना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।